ऑप्शन से इसको समझ ही नहीं आता। अरे क्या मतलब यार इतना सीरियस होने का, अभी बहुत टाइम है, थर्ड ईयर चल रहा है यार। थर्ड ईयर आ गया है भाई, तो सिर्फ एक साल है हमारे पास, अभी तो विजन क्लियर करना होगा। मैं सोच रहा था कैट की कोचिंग कर लेते, कैट में ज्यादा ऑप्शन है, हम MBA कर सकते हैं और भी अपना बिजनेस, आजकल स्टार्टअप खोल रहे हैं तो उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना कुछ और ऐसा नया वेंचर कर सकते हैं। कुछ क्या है कि इतना कंपटीशन आ गया आजकल, तो हमको सोचना चाहिए कि आज जैसे स्टार्टअप की जनरेशन है तो स्टार्टअप में हम कुछ आगे काम कर सकते हैं, तो कुछ नए आइडियाज में हम इन्वेंट करते, क्योंकि हम वैसे भी नए एनर्जी एनर्जी से। तो हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, बहुत कंफ्यूज है। क्या करें यार, पता है हम लोग को लग रहा है कभी कुछ मार्केट में जाए, टेक्निकल में जाए, क्या कुछ नया स्टार्टअप करें, कुछ भी नया नेम है सर। तुमने क्या सोचा है? तुमने क्या सोचा? भी कुछ सोचा होगा, बहुत बिजी हो आजकल। हाँ मैं बिजी तो नहीं हूँ एक्चुअली, मैं पर्वत सुरेल की कैंपस एम्बेसडर हूँ। तुमने पर्वत सुरेल बारे में सुना है? नहीं, क्या ये? इसमें मैं वेबसाइट है जो कंपनी ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स कराती है, तो मैं उसे कैंपस एम्बेसडर हूँ। और मेरा काम यही है कि अपने कॉलेज में सबको बताना, और ये कंपनी आपको आपको ट्रेनिंग कराएगी और वर्कशॉप कराती है बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट हो गया और सिविल से जुड़े हुए, इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए, हर तरीके के स्टेजेस में वो कराती है। सो इससे आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि ओके हमने क्या करना है ऑल दैट, सो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ओके, तो इससे मैं पता था कि एक्चुअली में हम अगर किसी फील्ड को ऑप्ट कर रहे हैं तो कैसा होगा वो? हाँ, हमको एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है इसमें, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब चीजें। हाँ सब रहता है। जो हमें टेक्निकल ट्रेनिंग देता है, इंटर्नशिप कराता है अलग अलग जगह, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जगहों पे, जो कि हमें फायदा करेगा ये डिसाइड करने में कि कहाँ पे क्या जॉब करनी चाहिए, हमें अपने आप को फाइंड करने में मदद करेगा। हाँ, हर तरह की ट्रेनिंग कराते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराते हैं, रियल टाइम जॉब एक्सपीरियंस।